डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस सरकार के रिपोर्ट कार्ड वाले मामले पर पलटवार किया है। डिप्टी सीएम ने यह कहा कि विधानसभा, लोकसभा, रायपुर दक्षिण में जो फेल हुए हैं वो कैसे दूसरों का मूल्यांकन कर रहे हैं। वह उन्होंने कहा कि अभी भी इनकी आंखों से इटालियन चश्मा नहीं उतर रहा है, इसलिए विकास नहीं दिखाई दे रहा। वहीं साय सरकार का एक साल पूरा होने पर मंत्री अरुण साव ने यह कहा कि सुशासन का सूर्य उदय का एक साल पूरा हुआ और उसके अलावा एक साल में छत्तीसगढ़ की दशा और दिशा बदली है। साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग में यहां पर 7,300 करोड़ रुपए की स्वीकृति बीते एक साल में भी मिली है। देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, ये दावे बड़े बड़े करते हैं, 75 पार का दावा किया विधानसभा में, पार हो गए, लोकसभा चुनाव में दावा किया, पार हो गए, रायपुर दक्षिण में न जाने क्या क्या आप लोगों के बीच में उन्होंने दावा किया। तो कांग्रेस पार्टी की दुर्दशा हो चुकी है, कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं, अपने अस्तित्व बचाने के लिए कांग्रेस के नेता राजनीति कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता का इन बातों पर कोई असर नहीं पड़ना है। छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर रखा है कि उनके हित किनके हाथों में सुरक्षित है, छत्तीसगढ़ को कौन आगे बढ़ा सकता है, ये छत्तीसगढ़ की जनता बखूबी समझ चुकी है। साल सरकार के एक साल पूरे हो रहे हैं, ये रिपोर्ट कार्ड तो केवल और केवल सरकार के एक साल पूरा होने पर, ये साहस अपने कामों का हिसाब जनता को देना, ये साहस किसी राजनीतिक दल की सरकार में, किसी राजनीतिक दल में है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं, वो करके दिखाया है।